देखिए यहाँ पर सब्सक्राइब का लाल बटन है, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। और HDFC बैंक के रिजल्ट्स मैं अपडेट कर दूंगा और भी बताऊंगा कि स्प्लिट होने वाला है तो जिसके पास कितने शेयर्स हैं तो कितने मिलेंगे या रिकॉर्ड डेट कब है, कब लोग बाइंग कर सकते हैं। तो पहले मेरा पसंदीदा स्टॉक मैं बता दूँ आपको, रिटेल बैंकिंग से इनको 48.83% की और होलसेल बैंकिंग यानी कॉरपोरेट लोन्स जो देती है उनसे इनके रेवेन्यू जनरेट होता है 29.86 और ट्रेजरी से 12.9% के आसपास। नंबर वन बैंक है अपनी प्राइवेट सेक्टर में और काफ़ी अच्छा इनका रिजल्ट भी आया हुआ है। और 2276 रुपये July 26, 2019 को जो क्लोजिंग प्राइस था 2276, डाउन साइड काफ़ी है, 2500 के लेवल से हाई से काफ़ी नीचे आ चुका है। और ऐसे में नो डाउट हर गिरावट पे थोड़ी थोड़ी बैंक तो बनती, जैसे हमारी पुरानी स्ट्रेटजी हर वीडियोस में जब मैं अपने इन्वेस्टर्स को यही कहता हूँ। तो 52 वीक लो 1885 का था और हाई देखिए यहाँ पे 2503 का, यानी कि हाई यहाँ पे अगर हम चलते हैं तो 3 जुलाई 2019 को ये हाई बनाया था और आज है 27 जुलाई, आज मार्केट बंद है, शनिवार है, तो काफ़ी नीचे के लेवल पे 73% कह रहे हैं खरीदिए। और इनका जो मार्केट कैप है 6,22,401 करोड़ का, EPS है 80 और पी रेशियो 28.23 है, जबकि इंडस्ट्री पी है 33.68 और बुक वैल्यू है 545, प्राइस टू बुक है 4.17, डिलीवरी इसमें 62% की है और फेस वैल्यू 2 की है, लेकिन अभी हो जाएगी फेस वैल्यू 1 की। तो जिसके पास इसके शेयर्स हैं तो जब ये देखिए अनाउंसमेंट डेट थी 22 मई 2019 को तो ओल्ड फेस वैल्यू 2 रुपये की और जो नई फेस वैल्यू हो जाएगी 1 की, एक्स स्प्लिट डेट हो जाएगी 19 सितंबर, तो यानी 19 सितंबर के पहले रिकॉर्ड, 19 सितंबर इज़ द रिकॉर्ड डेट यहाँ पे लिखा हुआ। देखिए HDFC बैंक हैड लास्ट स्प्लिट द फेस वैल्यू ऑफ इट्स शेयर्स फ्रॉम RS2 to RS1 इन 2019, द शेयर हैज़ बीन कोटिंग ऑन एन एक्सप्लिट बेसिस फ्रॉम September 19, 2019। इट मीन्स कि अगर किसी के पास शेयर्स हैं तो उनको जब एक्सप्लिट हो जाएंगे तो उनको वो शेयर्स, जैसे एक शेयर है आपके पास तो 2 हो जाएगा, उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे और जिसके पास 100 हैं तो 200 हो जाएंगे। इसी प्रकार से कंपनी की वैल्यू तो सेम रहेगी लेकिन प्राइस भी उस समय जिस दिन रिकॉर्ड डेट होगी उस दिन जब भी स्प्लिट होगा उस दिन इसका प्राइस आधा हो जाएगा। तो यानी कि अभी देखना पड़ेगा उस दिन कौन कितना प्राइस रहेगा, तो अभी तो फिलहाल डाउन साइड, लोग चाहें तो अभी ख़रीद सकते हैं, जो लोग चाहें, काफ़ी नीचे के लेवल पे आ चुका है और भी नीचे जाता है तो और भी ख़रीदें। रिजल्ट्स इनके शानदार हैं लेकिन किसी कारणवश इसमें गिरावट है, थोड़ा सा NPA भी बढ़ा हुआ है, इस वजह से भी हो सकता है। तो मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा इस बैंक में कि जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते लेकिन सुना है उन्होंने शेयर मार्केट के बारे में या वो कभी इच्छुक हैं कि हम अपने हाथ आजमाना चाहते हैं, बट उनको अगर मालूमात नहीं है इस बारे में, उनको जानकारी नहीं है ज़्यादा, तो लार्ज कैप कंपनी जैसे कि HDFC बैंक, अगर बैंक सेक्टर में डालना है तो HDFC बैंक हो गई। इस प्रकार से और भी कई स्टॉक्स हैं जिन पर फंडामेंटल देखते हुए मैं रिकमेंड करता रहता हूँ समय समय पर, तो ऐसी बैंक के शेयर्स अगर हम ख़रीदते हैं तो जो लोग फिक्स डिपॉजिट में करते हैं ठीक है, वो भी अच्छी बात है, उनको भी कई साल में डबल हो जाता है पैसा, वो तो श्योर है, लेकिन और टैक्स वगैरह भी उनको कट के वो पैसा मिलता है। लेकिन शेयर्स में क्या होता है कि एक साल के बाद वो माना जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो टैक्स फ्री हो जाता है, ये इसमें बेनिफिट है। और प्लस स्टॉक क्या होता है कि हो सकता है कि साल में आपको डबल भी कर दे, 2 साल में डबल कर दे, 3 साल में ट्रिपल कर दे। और फिक्स डिपॉजिट होता है उसमें शुरू से ही आपको पता होता है कि हमें भाई इतना CAGR यानी एनुअल जो है मिलता रहता है, तो जो भी ब्याज पे ब्याज मूलधन पे ब्याज वो सब इंक्रीज़ करते करते एक समय ऐसा आता है कि आपका प्राइस डबल हो जाता है फिक्स डिपॉजिट का। लेकिन शेयर प्राइस में क्या होता है कि कंपनी की बढ़िया परफॉर्मेंस के द्वारा और इन्वेस्टर्स की अच्छी ख़रीदारी के माध्यम से, होल्डिंग के माध्यम से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करके ये अच्छे रिटर्न्स देता है। तो HDFC बैंक में जो लोग चाहें तो निवेश कर सकते हैं, अभी थोड़ी सी गिरावट भी है
और ये स्प्लिट होने के बाद जब इसका प्राइस आधा हो जाएगा, दो टुकड़े हो जाएंगे, स्प्लिट मतलब दो टुकड़े होना है किसी शेयर के लेकिन वैल्यू सेम रहना, तो उस समय भी जो निवेशक हैं आकर्षित होंगे ख़रीदने के लिए, क्योंकि प्राइस आधा हो जाएगा। तो होता क्या है कि अभी एक शेयर अगर लेते हैं तो उनका पूरा बजट ही बिगड़ जाता होगा, 2200 समथिंग, 2276 का मान लीजिए, तो किसी के पास 5000 या 2 ही शेयर्स आए, तो उस समय क्या होगा कि 5000 या मान लीजिए कि 1100 रुपये अगर भाव चल रहा होगा स्प्लिट होने के बाद, तो 5000 में उसको कम से कम चार या कुछ पाँच तो आ ही जाएंगे। तो एनीवेज मैं रिजल्ट्स पढ़ देता हूँ यहाँ पे। देखिए जून 18 से अगर हम जून 19 यानी ईयर ऑन ईयर कंसोलिड स्टैंड अलोन, ओके स्टैंड लोन के अगर हम रिजल्ट्स देख रहे हैं यहाँ पे, तो जो 22548 करोड़ इंटरेस्ट अर्निंग यानी ब्याज से जो कमाई थी वो जून 19 में हो गई 27391 करोड़ के आसपास, यानी कि 21.48% की अपसाइड है, जो कि एक शानदार है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 28.90% की अपसाइड है, लेकिन एनपीए थोड़ा सा बढ़ा मामूली से 0.02% और ग्रॉस एनपीए भी, लेकिन नेट प्रॉफिट अगेन जहाँ जून 18 में 4601 करोड़ के आसपास था, वहीं जून 19 में हो गया 5568 करोड़, एक शानदार 21.01% की अपसाइड है। वहीं अगर हम क्वार्टरली देखते हैं मार्च 19 से जून 19 में, तो यहाँ पे अगेन इंटरेस्ट अर्निंग 4.02% की अपसाइड है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 2.80% की अपसाइड है, लेकिन एनपीए थोड़ा सा यहाँ पे भी बढ़ा हुआ दिख रहा है। और नेट प्रॉफिट में यहाँ पे जहाँ मार्च 19 में था 5885, वहीं जून 19 में हो गया 5568, यानी कि 5.39% की थोड़ी सी डाउन साइड है। तो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी यहाँ पे इनको ज़रूर मायूसी या झटका है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बहुत शानदार है ग्रोथ में, नेट प्रॉफिट में भी और इंटरेस्ट अर्निंग में भी। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम चलते हैं 26.25% की होल्डिंग है इनके पास, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, 1259 हैं और इनकी होल्डिंग है 38.64 और 11.02% की जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उनकी होल्डिंग है। तो एक बेहतरीन कंपनी में ज़बरदस्त FIIs होल्डिंग बना के रखें। रिटर्न वाइज अगर हम देखते हैं तो 10 सालों में 683% यानी 700% के आसपास के आप मानिए, तो अगर 10 सालों में आपका पैसा 7 गुना इस बैंक ने कर दिया है, और साथ ही साथ अगर आप FD भी लगाते तो FD से काफ़ी ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है यहाँ पे। और ये बैंक ऐसी है कि भरोसे वाली बैंक है, और हालांकि देखा जाए शेयर मार्केट में तो हम कहीं भी भरोसा नहीं कर सकते अगर देखें तो, लेकिन फिर भी किस्मत तो इस भरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे वाला चक्कर है। तो सेफ मतलब लो रिस्क और हाई रिटर्न की गुंजाइश है यहाँ पे। तो यहाँ पे HDFC बैंक में 10 सालों में आपको 683% की रिटर्न है, 5 सालों में 172%, 4 सालों में 105 और 3 सालों में 83, 2 सालों में 30% के आसपास, 1 साल में 4% के आसपास, ईयर टिल डेट जनवरी से लेकर 7.25% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न है, 6 मंथ में 8.71% और 3 मंथ्स में 0.0, लेकिन 1 महीने से लगातार इसमें गिरावट है, इसमें नेगेटिव में रिटर्न है। तो अभी इस गिरावट में चाहे तो एक अच्छी बैंक के शेयर्स थोड़े थोड़े लिए जा सकते हैं। अब देखते हैं गिरावट कहाँ थमती है। और इन्होंने अभी डिविडेंड 5 रुपये का फिर से अनाउंस किया, इंटरम डिविडेंड, तो वो भी एक शानदार है कंपनी के लिए। फ्रेंड्स एक अच्छी बैंक है, चाहे तो आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हर एज के लोग इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार का बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। मार्केट में अगर बहुत बड़ी गिरावट आ जाती है, जलजला आ जाता है, तो ऐसी बैंक पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कैसे होता है माइक्रो कैप कंपनियाँ जो है आधी हो जाती हैं, छोटी कंपनियाँ मिड कैप कंपनियाँ टूट जाती हैं, लेकिन लार्ज कैप कंपनियाँ बहुत ज़्यादा नहीं टूटती। अब क्या आपको लगता है कि ये 2200 वाला 1000 रुपये का हो जाएगा HDFC बैंक का? नहीं, होल्डिंग ज़बरदस्त है, इनके फंडामेंटल्स बड़े अच्छे हैं, इनके रिटर्न्स बड़े अच्छे हैं, इनके NPA बहुत कम है, 1 से नीचे है, इनकी जो टॉप सेगमेंट्स में जो रिटेल बैंकिंग है वो ज़बरदस्त है, वैल्यूएशन इसकी अच्छी है और इसकी कार्यशैली बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो ये सब देखना पड़ता है बेसिकली किसी कंपनी के या किसी स्टॉक में पैसे लगाने से पहले। तो आशा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, हम फिर से हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।